अभी बहुत सारे डायमंड्स आगे और भी लोगों को सुनेंगे, ठीक है। हम लोग का थोड़ा सा उल्टा है, कैसे हम लोग अमीर से गरीब बने थे, हम लोग गरीब नहीं थे, हम लोग करोड़पति थे और करोड़पति से हम लोग रोडपति हो गए, ठीक है। तो मुश्किल होता है कि क्या बोलते हैं, एक बार आप गरीबी से अमीरी की तरफ उठते हो तो आप ठीक है मैनेज हो जाता है, लेकिन हमारे साथ उल्टा हुआ था। कोविड नाम की बीमारी आई थी, जिस बीमारी ने हमको करोड़पति से रोडपति बना दिया था। दोस्तों की कहावत है, धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है। तो हम वही धोबी के कुत्ते हो गए थे और इन कुत्तों पर जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं था, ठीक है। तो स्थिति ये थी कि मैं और सर बैठ करके हम लोग ये सोचते थे कि जीवन में हमने क्या कर दिया है, कि मतलब इतने लंबे समय मेहनत करने के बाद भगवान ने हमको क्या फल दिया है कि आज एक घर है जिसको बैंक नीलाम करने वाला है। सबसे ज्यादा बेइज्जती तब हुई जब हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। बहुत सारे लोगों को स्टोरी पता है, सबसे बेइज्जती वाला दिन वो था जब हमारे बच्चों को हम फीस नहीं पटा पाने की वजह से हमको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, बच्चों को एग्जाम नहीं दे पाए। 2 साल हमने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, ठीक है, और घर नीलाम हो गया, गाड़ी खींचने के तैयार थी। तो लाइफ का जो जो डिजास्टर होता है, मतलब सबसे बोलते हैं ना विपरीत परिस्थिति, वो विपरीत परिस्थिति हम लोग झेले 2 साल लगभग। अब उस स्थिति के बाद आदमी क्या लगता है कि मैं क्या करूं करके, तो हम लोग करोड़पति से रोडपति बन गए और रोडपति बनने के बाद फिर अब हम लोग सोचे कि क्या किया जाए, ठीक है। तो जैसे कि सर लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हमको भी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन क्या होता है कि अगर आप चाय पीते हुए या दूध पीते हुए जल जाते हैं तो दूध का झाला छाछ भी फूंक के पीता है, राइट। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, तो हम भी बहुत ज्यादा मतलब डरे हुए थे कि क्या होगा कैसे होगा करके। तो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे करना है करके, लेकिन हमारे यहाँ सोनी सर बोले कि सर पे 50 लाख रुपए का कर्ज है और मतलब हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग कम समय में यहाँ मतलब पैसे कमा सके, इसलिए हम लोगों ने DMPL प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास किया, ठीक है। एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों कि बैंक जब हमारा घर नीलाम कर रहा था और मैंने अपने घर का जब पूरा सामान बेचा, मतलब सामान बेचा इन द सेंस मैंने अपने घर का सोफा, AC, 1 लाख रुपए का झूमर था हमारे घर में, मतलब 1 लाख रुपए का सोफा था, झूमर था, 4 AC था। इसके अलावा जिस बिस्तर में हम लोग सोया करते थे वो मतलब सागौन की लकड़ी से स्पेशली हमने ऑर्डर देके बनवाया था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी घर की। इसके अलावा मतलब घर का जो भी सामान कोई आदमी बेच सकता है, कूलर पंखा से लेकर के हमने सब कुछ बेच दिया। तो जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते थे ना, तो वहाँ के लोग बोलते थे बहुत करोड़पति बनते थे ना, हाँ गए औकात में करके लोग आके ना हंसी उड़ा जाते थे। और सबसे खराब दिन ये था जिस दिन ना सर और मैंने ना हम लोग ने ये मकान बेचना है का बोर्ड लगाया, लोग आते थे और अपने हिसाब से हमारे सपनों के घर की ना कीमत लगा के जाते थे कि ये तो इतने ही लायक है, ये तो उतने के ही लायक है और इसका कुछ नहीं हो सकता। कोई बोलता था हमको 20 लाख में दे दो, कोई बोलता था हमको 25 लाख में दे दो, कोई बोलता 30 लाख में दे दो, नहीं यहाँ ये ठीक नहीं वहाँ ठीक नहीं, बहुत दुख होता था। और जिस दिन सर और मैं हमने ये मकान बेचने का स्टिकर लगाया ना, हम लोगों ने बैठ के बहुत रोया बहुत रोया और हमको लगा कि भगवान आपने हमको ऐसी किस्मत क्यों दी, जिसको लग रहा था ना कि सर और मैडम की किस्मत बहुत अच्छी है तो वो किस्मत थी हमारी, ठीक है। लेकिन मैं हमारे कंपनी के ग्रेट MD सर लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस घर को हमने कभी बेचना है करके बोर्ड लगाया था उस घर को हमने बिना लोन के 40 लाख रुपए खर्चा करके बनवा लिया है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार तरीके से। और 7 तारीख को हमने अपने घर की पूजा कराई थी जिसको बहुत सारे लोग आए थे। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं हमारे MD सर लोगों का जो कर्ज है मैं जीवन में कभी नहीं उतार सकी। थैंक यू सो मच सर, ठीक है। आपने एक मतलब हम जैसे सिर्फ रसिका सोनी नहीं, रविका सोनी नहीं, आपने हमारे जैसे हजारों लोगों को घर में छत दी है, आपने हमको आसरा दिया है। और मेरे को ऐसा लगता है जब इतनी खराब किस्मत होने के बाद हमारा घर वापस से बन सकता है बिना लोन के, तो आप सब
बहुत अच्छी होगी, मैं जोरदार तालियां होगी। फ्रेंड्स, किस्मत अच्छी होना हो ठीक है, हस्बैंड रवि का छोटी सर जैसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि अच्छी किस्मत होना हो मेहनत से आदमी अपनी किस्मत को बदल देता है। और ना मेरे को सर पे बहुत गुस्सा आता है, प्रोग्राम के 2 दिन पहले सर को रात से वॉमिटिंग होना चालू हो गई, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो खाना तक नहीं खा रहे थे, उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला और लीडर लोग से कंटिन्यू डेफ प्रोग्राम के प्रमोशन के बाद करते रहे। मैं बोली मर जाओगे, मत करो, और बोले भले मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं सबसे ज्यादा लोग डेफ प्रोग्राम में मेरा होना चाहिए। फ्रेंड, तो अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत करने की तो आप लोग भी यहाँ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो सोचता है ना किस्मत के बदले, किस्मत के दम पे जिंदगी बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, किस्मत 10% साथ देती है, मेहनत 90% साथ देती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 2 साल नहीं टिक पाए कोविड के सामने, 2 साल
दो साल लिमिट मैच कोविड के सामने बर्बाद हो चुके थे, लेकिन थैंक्स टू डीएमपीएल केवल दोस्तों केवल 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 अभी 28 महीने हुए हैं, केवल 28 महीने, अभी 30 महीने भी नहीं हुए दोस्तों। 14 अप्रैल 2022 को हमने ज्वाइन किया था, हिसाब लगा के देख लीजिए, केवल 28 महीने हुए दोस्तों, और मात्र 28 में 28 महीने में 91,49,000 रुपए से ज्यादा की इनकम कर दोस्तों। यही अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, यही अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, बहाना बिल्कुल नहीं बनाना है और अपने सपनों को पूरा करने के लेना है, जी जान से मेहनत करना है, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं, सपने जिनके जिद्दी हो तूफानों से लड़ जाते हैं और बेबाक हौसलों वाले ही एक नया इतिहास बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों, क्या बात है, जोरदार ताली रसिका मैडम के लिए, रवि का सुनने के लिए क्या बात, मजा आ गया, शानदार, जबरदस्त, जोरदार ताली मैडम को एक बार मोबाइल फोन दे, MBA किया है मैंने HR में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट जॉब मेरी 2 बार लग चुकी है, लेकिन चूंकि बहुत अच्छा सर ने बताया कि हम लोग ऑलरेडी करोड़पति थे तो जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना कि सिचुएशन बदलते देर नहीं लगता, ठीक है, और अच्छा हुआ नौकरी नहीं की, अगर नौकरी करते तो आज यहाँ पर खड़े हो गया आप लोगों के सामने, शायद अपनी जिंदगी तो मैं बना लेती लेकिन आप जैसे लोगों को जिंदगी बनाने का अवसर नहीं दे पाती, तो थैंक यू। मैं इंजीनियरिंग के अवसर इलेक्ट्रिकल में जीसी बिलासपुर से, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से भी इंजीनियरिंग किए हैं और मैडम भी MBA किए हुए हैं, बताने का मकसद क्या है, जोरदार ताली बजाओ, बताने का मकसद क्या है कि हम पढ़े लिखे और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, वैसे कोई लोग मिले ना भाई तो सोचना मत कि बताना है कि नहीं बताना। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं सर पढ़ाई में इतना होशियार था, 12th में ना मैथ्स में 100 में 100 पाया था, जोरदार ताली बजाएंगे। आइए आगे बढ़ना चाहूंगा हमारे और